अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ वसीफ, और आज हम बात करेंगे, पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स। ऑब्वियसली एक टाइम में तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा जब जल्दी विकेटें गिर गई, और उसके बाद जो है वो पहले तो सऊद शकील और क्या कहते हैं रिजवान की पार्टनरशिप लगी, उसके बाद 3 विकेट और गिर गए, उसके बाद के कहते हैं मोहम्मद नवाज़ और शादाब की थोड़ी पार्टनरशिप लग गई, तो रिस्पेक्टेबल टोटल हो गया। आखिरी 2 विकेटों पर भी मेरे ख्याल पाकिस्तान ने 45-40 रन बना लिए, तो रिस्पेक्टेबल टोटल हो गया 286। आजकल के दौर में वैसे इतना ज़्यादा रन नहीं है क्योंकि नेदरलैंड्स ने मेरे ख्याल 300 से ऊपर भी चेस किया हुआ है, मेरे ख्याल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ या जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो दे आर नॉट अ बैड टीम। तो अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो फख्र जमान अगेन, वो पहली दूसरी बॉल पे आउट हो जाए तो मसला नहीं है, लेकिन अगर 10-12 बॉलें खेल के आउट हो, 15 बॉलें खेल के आउट हो, तो वो थोड़ा सा एक्सपोज हो रहे हैं कि ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म, थोड़ा सा ही इज़ लुकिंग टू क्या कहते हैं पुश करने के उस पे हैं, और आउट भी इतफाक से उसी तरह हुए, थोड़ा सा जल्दी खेल गए बॉल को और कॉटन बोल्ड हो गए लोगन वैन बीक की बॉल पे। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर हम देखें इमामुल हक, तो क्रॉस सीम बाउंसर था, तो क्रॉस सीम बाउंसर एज अ कोच अगर मैं बात करूँ तो क्रॉस सीम बाउंसर जो है ना वो राइज ज़्यादा करता है और पेस कम होती है उसमें, तो वो ऑल द वे कैरी करने का चांस थोड़ा कम होता है, और वो नीचे से ऊपर खेल रहे थे। अगर वो ऊपर से नीचे खेलते या टैप करते तो शायद बचत हो जाती, वो नीचे से ऊपर खेल रहे थे तो थोड़ा ऊंचा लग गया, तो आई एम श्योर के अदर टीम्स विल बी वॉचिंग हिम इमामुल हक, और उनको वहाँ से टाई डाउन किया जा सकता है। ऐसे तीसरा बाबर आजम की अगर बात करें तो बाबर आजम को थोड़ा सा उन्होंने ट्रैप किया, जो 2 मिड विकेट्स लगा के और ऑफ स्पिनर लगा दिया, और सबको पता है कि बाबर आजम स्ट्राइक रोटेट करने में स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली सर्कल में, इवन T20 में भी, जहाँ पे जो है वो 5 फील्डर दायरे में होते हैं, तो उन्होंने मेरे ख्याल है कि वर्कआउट बड़ा अच्छा किया हुआ था सारे प्लेयर्स का, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बाबर को सेटअप किया या इमाम को खिलाया या फ़खर को खिलाया, तो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ है पहले से ही ना, प्लानिंग करके आए। सऊद शकील आउट ऑफ सिलेबस आ गया उनके लिए, और एक तो सऊद शकील के शुरू में कैच निकल गया स्लिप से, गुड लक थी उनकी, ऑफ स्पिनर आर्यन दत्त की गेंद पे विक्रमजीत सिंह ने ड्रॉप किया, बल्कि उनको चेक ही नहीं हुआ, ज़रा आपको लक तो चाहिए होती है, लेकिन उसके बाद सऊद शकील माशाल्लाह बहुत ही आला बारी की, और बड़े वो अटैकिंग खेले, यानी कि वनडे क्रिकेट में ज़रा के 4 फील्डर बाहर होते हैं, तो जब उनको उनके लिए मिड ऑन और मिड ऑफ ऊपर रखे तो उन्होंने ऊपर से खेलने में कोई वो नहीं की, विकेट ठीक था तो उन्होंने ऊपर से शॉट्स खेले और काफ़ी खेले, तो आई थिंक ही वॉज डिक्टेटिंग द टर्म्स, थोड़ा सा अनलकी तो नहीं कह सकते, वो थोड़ा सा प्री मेडिटेट करके स्वीप शॉट खेलने जा रहे थे, सर उनका ऑफलाइन हो गया और बॉल था लेग स्टंप पे, तो वो जिस पोजीशन पे थे ना उससे शॉट लग नहीं सकता था, और थोड़े से वो टेंगल हो गए उस सेंस में, स्वीप के लिए वो रेडी थे और वो छोटा स्वीप खेलना चाह रहे थे शायद, लेकिन ऑफलाइन थे क्योंकि सर उनका बहुत ज़्यादा बाहर हो गया था और बॉल उधर था नहीं, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ से वो थोड़ी सी गलती कर गए, लेकिन चलिए क्रिकेट में तो होता है, लेकिन आई मीन 130 के स्ट्राइक रेट से 68 रन करना आसान नहीं है, और रिजवान ने भी बड़ी अच्छी बारी की, रिजवान ने रिजवान की अच्छी बात ये लगी मुझे, हालांकि मैं उसका क्रिटिक भी रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात ये लगी कि जब सऊद शकील के रन हो रहे थे तो रिजवान खामोशी से स्ट्राइक दे रहे थे उनको ना, सही है, तो रिजवान कोई ईगोइस्ट नहीं थे कि उन्होंने कहा ये मार रहा है मैं भी मारूँ, तो रिजवान ने बड़ा अच्छा उनका साथ दिया सऊद शकील का। रिजवान भी जो है वो 3 क्रॉस सीम की थी बैस डिलेड ने, और थोड़ा सा उसको और शादाब को सिमिलर बॉल पड़ा, लेकिन इनका ऑफ स्टम्प से बाहर से आया और शादाब का ऑफ स्टम्प मिडल एंड ऑफ से अंदर आया, तो बॉल ठीक था, लेकिन रिजवान का हम सबको पता है कि ही इज़ अ हैंड्स प्लेयर, वो टांग आगे नहीं लेके जाते, बट ही इज़ अ सक्सेसफुल एज इट इज़ राइट, तो वो थोड़ा सा गैप बन गया उनका क्योंकि गेंद निप होके अंदर आ गया, और सीमिंग विकेट नहीं था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि 3 क्रॉस सीम जिस तरह हमारे मोहम्मद आसिफ करते थे 3 क्रॉस सीम राइट, और एग्जैक्टली उस सिमिलर किस्म का बॉल हुआ कि जो किसी भी विकेट पे डेविएट कर सकता है, और उसी तरह हुआ, तो बेस्ट लीड ने अच्छे बॉल किया, दोनों को अच्छा आउट किया। फिर अगर हम बात करें तो शादाब, मैं बहुत चाह रहा था कि शादाब की बारी आए और रन्स करें, और अच्छा हुआ उन्होंने रन्स किए, द रीज़न फॉर दैट इज़ कि उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब वो बैटिंग में रन्स करेंगे, हालांकि बॉलिंग और बैटिंग का ताल्लुक डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन एज अ प्लेयर कॉन्फिडेंस इन क्रिकेट कॉन्फिडेंस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिनिश थोड़ा सा ठीक कर गया, नवाज़ का अनलकी रन आउट हो गया, लेकिन हारिस रऊफ और ये 2-4 छक्के मार के रन हमारे पास 286 हो गए। अच्छा, अब बात करेंगे कि जी पाकिस्तान ने कैसे बॉल किए, तो मेरा ख्याल है कि अगर हमने उन्होंने पहले 100 रन किए ना, तो 100 में से उन्होंने 70 रन विट्स पे किए, ठीक है, जो लेफ्टी विक्रमजीत सिंह भी हो गया,
एकरमैन भी हो गए, इनको विड्थ बहुत ज़्यादा दी, मतलब ऐसे ऐसे लग रहा था कि हमारे जैसे फास्ट बॉलर्स क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस लेवल पे इतने फ्लैट विकेट्स में कंसिस्टेंटली विड्थ देना, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैच हम जीत गए हैं, तो ऑब्वियसली जो बॉलिंग कोच वगैरह होंगे उन्होंने थोड़ा सा इनको समझाना है कि यार विड्थ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि विड्थ दी तो स्लैश हो गया, किसी भी डायरेक्शन में गेंद गया तो चौका, क्योंकि माशाल्लाह हमारे बॉलर्स आहिस्ता तो है नहीं, तो क्या कहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले 100 में से 70 रन विड्थ पे बने, तो इस पर थोड़ा सा काबू किया जा सकता है नए गेंद से। और शुरू में अपने लेग स्पिनर शताब खान अभी भी थोड़े से ऑफ कलर ही लग रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि एक आध और मैच अगर उन्होंने इस तरह बॉल किए तो हमें दूसरा लेग स्पिनर खिलाना पड़ेगा। किस तरह खिलाते हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि नाउ इट्स गेटिंग टू अ स्टेज वेयर हिज बॉलिंग माइट कॉस्ट अस अ गेम। बाकी बॉलर्स की बात करें तो हरीश रऊफ ने बाउंसर पे आउट किया, एक दो बाउंसर पे आउट किए, आगे से भी आउट किए, पेस से आउट एंड आउट पेस, उन्होंने भी विड्थ काफ़ी दी। हसन अली ने थोड़े से कम विड्थ वाले बॉल किए और वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। तो उसके बाद अगर हम ओवरऑल नवाज़ की बात करें तो नवाज़ ने भी ठीक गेंद की, टाइट किए, बड़े क्रूशल विकेट ली, बेस्ट डिलीट की। उसके बाद इफ्तखार ने 3 ओवर किए, 18 रन दिए, 16 रन दिए, 2 ओवर में खेला 6 रन दिए, फिर तीसरे में रमार पड़ गई उन्हें, लेकिन इफ्तखार ने दिलेरी से बॉल की। अच्छा, पाकिस्तान मैच तो जीत गया और 80 रन से जीत गया, लेकिन एक आधे आधे इनिंग जब हुई थी क्या कहते हैं नेदरलैंड्स की, तो ऐसे लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था क्लोज मैच होगा, क्योंकि इस तरह के जो मैचेस होते हैं इन दी एंड रन रेट, नेट रन रेट को बड़ा इम्पैक्ट करते हैं आपके ना। तो आइडियल तो ये था कि पाकिस्तान 350 करता और उनको 200 से नीचे आउट करता तो और बेहतर हो जाता, लेकिन नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट पाकिस्तान हारा नहीं, क्योंकि हमें सबसे बड़ा ये डर लगा होता है कि किसी मिनट से ही पाकिस्तान हार ना जाए। अच्छा, अब अगर हम देखें ओवरऑल देखेंगे पाकिस्तान की अगली अगली गेम्स के लिए कैसी तैयारी है, तो श्रीलंका है और आगे इंडिया है, तो मेरा ख्याल है कि विकेट्स जो हमने देखे हैं, और दो ज़रा न्यूजीलैंड का भी मैच हुआ इंग्लैंड के साथ वो भी हमने देखा और ये वाला भी देखा, तो मेरा ख्याल है कि आपको टॉप 10 ओवर्स में स्पिनर लाना है, ठीक है। और राइट नाउ पाकिस्तान में वैसे तो शादाब से भी करा सकते हैं, लेकिन कोई भी स्पिनर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है या नज़र नहीं आ रहा जो नया गेंद कर सके। टू बी फेयर, लाइक अगर आप देखें सेटनर ने गेम चेंज कर दी इंग्लैंड के खिलाफ, हालांकि इंग्लैंड के कितने अग्रेसिव बैट्समैन हैं। उसके बाद बाबर आजम को आर्यन दत्त ने फंसा के रखा, फिर एकरमैन ने आउट कर लिया, ठीक है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि स्पिनर पे जो नए गेंद से सेमी न्यू गेंद से स्पिनर्स में पहले टॉप 10 में कराएंगे तो मोमेंटम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के स्लो रन रेट शुरू में वजह ये थी कि उन्होंने स्पिनर लगाए हुए थे और फील्ड ऐसी रखी हुई थी, वर्कआउट किया था हमारे बैट्समैनों को, विड्थ नहीं दी टाइट बॉलिंग की। तो मेरा ख्याल है कि हमें या तो नवाज से या शादाब से टॉप 10 में 2-3 ओवर कराने हैं, ठीक है। हारिस रऊफ़ या हसन अली, लाजमी नहीं है कि हारिस रऊफ बॉल करे टॉप 10 ओवर्स में, एक आध ओवर करा लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ी टीम्स के खिलाफ स्पेशली आपको स्पिनर ने एक आध 2-3 ओवर करने हैं, ताकि मोमेंटम थोड़ा सा ना शिफ्ट हो, मोमेंटम इस सेंस में शिफ्ट हो कि अगर फास्ट बॉलर को मार पड़ रही है, इंग्लैंड ने गलती वही की कि फास्ट बॉलर को थोड़ी मार पड़ रही थी, वो मार्कआउट को ले आया, उनको और मार पड़ गई, फिर मोइन अली को लेके, दैट वॉज टू लेट। अगर मोइन अली को 4th-5th ओवर में ले आते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। तो सिमिलरली पाकिस्तान को भी जो है वो मेरा ख्याल है कि रेडी करना चाहिए स्पिनर नए गेंद के लिए, स्पेशली यूरोपियन टीम्स के खिलाफ, क्योंकि वहाँ से ही आप क्या कहते हैं एडवांटेज ले सकते हैं और थोड़ा सा टेक्टिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चले नाज़रीन, मैंने कहा थोड़ी सी एपिसोड बना लूँ। ओवरऑल बॉलिंग हमारी बैटिंग दोनों थोड़े से बिलो पार हैं मेरे हिसाब से, और सऊद शकील की भी बात करते थे ना, बढ़िया आला बारी की, लेकिन वो भी जो है वो जो पुल खेल रहे थे वो नीचे से ऊपर खेल रहे थे। अच्छा, अब नीचे से ऊपर पुल खेलने में ये है कि अगर थोड़ा सा गेंद अनइवन बाउंस हो, क्रॉस सीम बाउंसर जो होते हैं वो आपकी जो है ना वो स्प्लाइस के करीब बैट के बहुत ऊपर लग जाता है, फिर गेंद कैरी नहीं करता, ठीक है। तो उन्होंने एक जो जो पुल मारे वो थोड़े से लकी रहे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि कंट्रोल में नहीं है। तो इमामुल हक तो फंस गए, रिजवान भी नीचे से ऊपर पुल मारते हैं जो ज़्यादा हाई बॉल को ना, तो मेरा ख्याल है वनडे क्रिकेट में ज़्यादा ऊपर वाला बॉल छोड़ दिया करें तो ज़्यादा बेहतर है शुरू में स्पेशली, क्योंकि दो फील्डर पीछे होंगे, ये खेलेंगे, मिसहिट करेंगे और आउट होंगे। और मुझे लगता है कि इंडिया और टीमें ना, क्योंकि इमामुल हक तो फाउंड आउट हो गए, सऊद शकील भी थोड़ा सा लग रहे हैं इस तरह
रिजवान और बाबर को पहले वो पकड़ चुके हैं इस तरह शॉर्ट बॉल पे ना। तो मेरा ख्याल है T20 में मैं समझता हूँ कि ठीक है आपको खेलना पड़ता है शॉर्ट बॉल, इसमें लाजमी नहीं है कि आप खेलें। हाँ रैंप खेल लें पीछे, जिस तरह रिजवान ने एक शॉट खेला बाद में तो रैंप खेल लें, लेकिन जो है ना वो पुल क्रॉस सिम बाउंसर्स को एक आध बॉल छोड़ दें तो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मतलब एक आध बॉल डॉट हो जाए हो भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा डेंजरस बॉल होगा पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए, क्योंकि कोइंसिडेंटली नीचे से ऊपर पुल मार रहे हैं ये सारे। मेरे ख्याल से हम लोग अपने विकेट्स के आदि हो गए हैं, वहाँ पे बॉल नीचे रहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हमने टेस्ट सीरीज खेलनी है, उसमें भी यही होगा कि नीचे से ऊपर पुल मारेंगे तो गेंद खड़ा हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि जीतने से ये है कि पाकिस्तानी कॉन्फिडेंस वापस आएगा, ओपनर्स का मसला अभी भी है ये कहते हैं, और बैकअप में उन्होंने यंग लड़का रखा हुआ है तो वो राइटली रिप्लेस भी नहीं कर सकता। तो रियली होप कि कहते हैं फखर जमान को रेस्ट कराएं, या फिर उनको कहें कि यार भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुल के खेलें क्या कहते हैं, लेकिन वो ही हैज़ टू सॉर्ट इट आउट बिफोर इंडियाज़ गेम। अदरवाइज़ अगर हम दोनों टीम गेम्स आगे अच्छा ना खेलें तो फिर ज़ाहिर है कि उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाना पड़ेगा। तो चलो नाज़रीन, ये छोटा सा मेरा रिव्यू था मैच का और पोस्ट मैच एनालिसिस थे, तो इंशाल्लाह एपिसोड्स बनाता रहूँगा। आप अपना क्या कहते हैं कमेंट्स वगैरह से ज़रूर बताइएगा कि किसी टॉपिक पे वर्ल्ड कप के दौरान अगर आप बात करना चाहते हैं, मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह जल्दी हाज़िर होते हैं एक और एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।